इंसान को हमेशा मानना, क्यों? क्योंकि देवी देवताओं के आशीर्वाद से धन की वृद्धि होती है। और पितरों को हमेशा याद रखना, उनके प्रति श्रद्धा बना के रखना, क्यों? क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से वंश की वृद्धि होती है। इसलिए हमेशा भगवान को मानना, भगवान को मानने से धन की वृद्धि होती है और पितरों को मानने से हमेशा वंश की वृद्धि होती है। इसलिए आपको भगवान को भी मानना है और पितरों को भी मानना है, है? ये चौथा वचन मानती है। आय व्यो धान्य धनाधिकां दृष्ट्वाग्रहे चेदुचितं निद्या वामाङ्गयामि तदात्मदीयं भासित कन्या वचनं पंचम। पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि कमाई ज्यादा करना और खर्चा कम करना है। यदि गृहस्थी को चलाना है तो कमाई के लिए हमेशा मेहनत करना, मेहनत से जी मत चुराना और धन ज्यादा कमाना, ताकि घर वाले और परिवार वाले हमेशा खुश रहे। खूब धन कमाना है, ऐसा पांचवा वचन मांगती है। और छठा वचन क्या मांगती है? देशांतरे वा सुपुरांतरे वा यदि प्रक्रिया क्रय विक्रय तुम वा मांग्यामि तदात्मदीयं भासित कन्या वचनम च षष्ठम। छठे वचन में कन्या वर से कहती है कि व्यापार या नौकरी के कारण आपको देश विदेश कहीं पर भी जाना पड़े, आप कहीं पर भी जाना, आभा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जहां भी जाना बता करके जाना, बिना बताए मत जाना। आपको अपनी पत्नी का भरोसा जीतना है, इनका विश्वास जीतना है, तो जहां भी जाना बता करके जाना, बिना बताए मत जाना। ये ऐसा चढ़ा वचन मांगती है। और अंतिम सातवां वचन, न सेवनिया पर पूर्व का शात काले त्वया भामिनी भामिनी थी वा मांग्यामि तदात्मदीयं भासित कन्या वचनम च सप्तम। सातवें वचन में कन्या वर से कहती है कि जीवन में कभी भी पराये औरत को मत देखना है, जीवन में कभी भी पराये औरत को मत देखना, और यदि देखो तो अपना नजरिया बदल लेना। कैसे? कि अपने से उम्र में बड़ी को माँ की नजर से देखना, और बराबर वाली को बहन की नजर से देखना, और छोटी को बेटी की नजर से देखना, लाइफ पार्टनर की नजर से, पत्नी की नजर से, केवल और केवल आपको आभा को देखना है। ठीक है, ठीक है जी। और एक वचन वर राजा भी कन्या से मांगते हैं। मदीय चितानुगतम चितम सदा मदाज्ञा परिपालन च पतिव्रता धर्म परायणात्म प्रिया सदा सर्वमेव प्रयत्नम। ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों का सिर शर्म के मारे नीचे हो जाए। हमेशा ऐसा काम करना जिससे तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों का सिर फक्र से ऊंचा रहे। पिता बोले कि बेटी हो तो आभा जैसी, और पति बोले कि पत्नी हो तो आभा जैसी। और अंत में कह रहा है, हृदय जी कह रहे हैं कि तुम भी पराये आदमी को मत देखना है, कह रहे हैं तुम भी पराये आदमी को मत देखना, और यदि देखो तो नजरिया बदल लेना। अपने से उम्र में बड़े को पिता की नजर से देखना, बराबर वाले को भाई की नजर से देखना, और छोटे को बेटे की नजर से देखना, पति की नजर से, लाइफ पार्टनर की नजर से, केवल और केवल आपको हृदय जी को देखना है। ठीक है, ये एक वचन। जोरदार तालियां इस प्यारे से जोड़े के लिए। और